हमारे पास कॉल गई थी भैया यहाँ पर आग लग गई है। हम मौके पे पहुँचे, हम लगभग 6-7 मिनट में पहुँच गए मौके पर, मगर आग इतनी लग चुकी थी, कुछ तो लेट फोन किया इन्होंने, आग इतनी चल चुकी थी तो कि मतलब काबू में नहीं आई। 11 गाड़ी लाइन ऊपर को ये आपस में टच हो गया तो इनका सर कट हो गया, आग लग गई है चिंगारी के, तो इतना तेरे इतना सब कुछ जल गया, आग हो गया यहाँ नीचे, फोन उभर गया था टट्टी पर बाहर था सब कुछ जल गया, प्याज थी वो भी जल गई। प्याज इतना जबरदस्त महंगा है और प्याज के साथ साथ जो बारदाना है जिसकी कोई कीमत ही नहीं होती, साल में इकट्ठा करते हैं प्याज लगाएंगे, सीजन है इस टाइम प्याज लगाने का, बिल्कुल उसमें तो नाश ही हो गया करती। देखिए गरीब मार होगी, परमात्मा हम तो यहाँ सरकार से अपील है हमारी कि जो इस पार्किंग से नाश होया है इस प्याज का, टिब्बी का जिसके जमीन ये प्याज है जिसका उसका टप हो गया करती, खत्म हो गया तो इसकी भरपाई करे। मेरे पास तो अभी मैं दुकान पे था, फोन गया इनका भाई ये टीवी पे आग लग गई है, मैंने उसी टाइम फायर ब्रिगेड में फ़ोन किया, 5 मिनट के अंदर अंदर फायर ब्रिगेड लेके पहुँचे हम। तो इससे पहले यहाँ जब हमारे सारा नुकसान प्याज पूरा चल चुका था, पूरा बारदाना जल चुका था, एक भी किलो प्याज ऐसा नहीं कि जिसको आदमी उठा के हम यूज कर सकें, पूरा लॉस। एकदम आग बढ़ गई, काबू नहीं कर पाए, 60-70 लाख का प्याज, 30-40 लाख का बारदाना, 1 करोड़ के आसपास सब खत्म हो। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखो आपको पता है सरकार को जब भी व्यापारी के से किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद की जरूरत होती है तो व्यापारी भाज के यथाशक्ति सहयोग करता है, तो मैं सरकार से मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि सरकार को इस नुकसान का आंकलन करना चाहिए और आकर देखे कि इसका कितना नुकसान है और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार यथासंभव इसकी मदद भी करनी चाहिए, क्योंकि ये कहने में तो एक छोटी सी टिप्पणी आ जाती है लेकिन अगर आप देखते तो यहाँ पर 100 कम से कम लेडीज लेबर जो कि 6 महीने के लिए उनको पूरा रोज़गार मिलता है, अगर सरकार ने इसकी किसी भी प्रकार से मदद नहीं की तो ये बेचारा वैसे ही मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो सरकार से मेरी तो आपके चैनल के द्वारा माध्यम से यही प्रार्थना है कि इसकी जो भी मदद हो सरकार ने वो करनी चाहिए, इसका 1 करोड़ से ऊपर से ज़्यादा का नुकसान। पटेंगे तो ये थोड़ा किलो आगे करके आ जाओ।